बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? आज हमने बनाया है चने, सफ़ेद चने और ब्लैक चने मिक्स करके हमने शोरबे वाला सालन बनाया है। साथ में हमने चावल बनाए हैं, ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े के और टेस्टफुल बनते हैं। चले हैं इन्हें बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने चने ब्लैक और सफ़ेद जो है ना एक साथ चूल्हे पर चढ़ा दिए हुए थे, ये तकरीबन आधे गल चुके हैं। इनका पानी मैं इनके अंदर ही रहने दूंगी और मैं इसके अंदर टमाटर, प्याज, हरी मिर्च शामिल कर दूंगी। लहसुन भी मैंने फ्रीज़ किया हुआ था छिलका उतार के, ये भी मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर। मिक्स करेंगे थोड़ा सा और नमक और हल्दी इसके अंदर डाल देंगे। ये मैंने 2 टेबलस्पून नमक डाल दिया, आधी टी स्पून हल्दी डाली है और 1 टेबलस्पून सूखी मिर्च डाल दी है मैंने। अब हमें इन्हें ढक्कन लगा के अच्छी तरह हमने गला लिया है। ये माशाल्लाह गल चुके हैं, इनका मसाला मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम घी डालेंगे और जो मसाले बाकी रह गए थे वो इसके अंदर डाल देंगे हम। घी डाल दिया मैंने 1 कप। अब इसके अंदर मैं पीसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून डाल दूँगी। उबाल के मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया इसके अंदर। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कूटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, कड़ी पत्ता भी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया है और इसे अच्छी तरह बनाई कर लेंगे हम इसकी। अब ये चने हमारे माशाल्लाह भून चुके हैं, ये देखिए अच्छी तरह भून गए, इनका मसाला अच्छी तरह ग्रेवी बन गई है। थोड़े से हम चने निकाल लेंगे, जो चनों में से मैंने पानी निकाला था वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पानी और डाल के बस इसे ढक्कन लगा के इसे थोड़ा सा पका लेंगे 5-6 मिनट। थोड़ा सा धनिया इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारा सालन बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही मज़े का बनता है मिक्स चने का सालन, आप भी बनाइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।